अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली कुकिंग एंड व्लॉग। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो है स्टिचिंग के मुतालिक, यानी कि स्टिचिंग तो मैं इस वक्त नहीं कर रही। मैं आपको, मैंने कुछ ड्रेस स्टिच किए थे वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं एक दुपट्टे पे मिरर लगा रही हूँ। ये मैंने अपना एक जॉर्जेट का सूट सिया है सिंपल मिरर लेस लगा के। तो उसके दुपट्टे पर मैंने गोटा जो सिक्किया होती है, सिंपल जंपा सिक्किया जो भी कहते हैं उसे, उसकी पल्लू पे मैंने लाइनिंग दी है दो लाइनें बनाकर, और किनारे पे मैंने गोटा कली वाला जो गोटा होता है वो लगाया है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी ये मिरर लगा रही हूँ। तो जनाब, चलें सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो जनाब, यहाँ मैं ये टसल्स पल्लुओं पे लगा रही हूँ, और इन टसल्स की ट्रेजडी ये है कि ये टसल्स जब मैंने बाय किए थे तो मैंने इनके 3 पैकेट लिए थे, 3 पैकेट मैंने इनके लिए थे, और एक पैकेट में ये 4 टसल्स थे, यानी कि मैंने 3 पैकेट मिला के यानी कि 12 टसल्स लिए थे। पूरे पल्लुओं पे मुझे करीब करीब लगाना था, लेकिन जब मैं मार्केट से घर आई तो आई डोंट नो रास्ते में मुझसे गिर गए या शॉप पर ही रह गए, शॉपर से एक ही पैकेट निकला। तो फिर मुझे बस कोने कोने पर ये 4 टसल्स लगाने पड़ रहे हैं, और अगर मुझे दोबारा जाना पड़ा मार्केट तो फिर दोबारा जाना हुआ तो मैं इंशाल्लाह लाऊंगी और ये बीच में करीब करीब करके लगाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सिंपल कैजुअल यूज़ के लिए, हल्की फुल्की तकरीबात के लिए, जैसे बर्थडे हो जाती है, इंगेजमेंट हो जाती है, या ऐसे ही रिलेटिव्स में आना जाना होता है, तो इस लिहाज से सिंपल सूट मैंने बनाया है। तो चलिए, इसकी शर्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसकी शर्ट, शेफोन जॉर्जेट पर मैंने ये सिंपल डिज़ाइनिंग की है। तो इसका गला मुझे समझ में नहीं आता कि मिरर लेस को मैं किस तरह से लगाऊं, और चकोर गला तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैंने रिसेंटली कितनी कॉटन की शर्ट्स सी हैं, उन पर यही वी नेक कॉलर बनाया है जो कि आजकल बहुत इन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मिरर लेस का भी यही डिज़ाइन बना लिया जाए। और मैंने इसको नीचे से अम्ब्रेला शेप दिया है, घेर बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है, और नीचे मैंने इस तरह की लेस लगाई है, और लेस इतनी शाइन कर रही थी ना कि कैमरा ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा। और ये रियल में भी आप यकीन करें कि ये इतना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना शाइन कर रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, ब्राउन पे सिल्वर लेस गोटा और मिरर ये सब लग के ना इतना ज़बरदस्त शाइन कर रहा है कि जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा ठीक से। जो मैं आपको दिखाऊं इस वक्त, ये बिल्कुल डल लग रहा है और ये डिम नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जब मैं वेयर अप करूँगी तो आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी। तो जो मिरर लेस लगाना चाह रहे हैं और सिंपल ड्रेस सीना चाह रहे हैं तो उन्हें यकीनन मेरी वीडियो से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के ड्रेस सीना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त लग रही है, नीचे में पूरे घेर में आगे पीछे मैंने ये लेस लगाई है। तो जनाब, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी वीडियो शेयर कर दिया करें, ताकि आगे भी हमारी वीडियो आगे शेयर हो, जिसके पास आपकी वीडियो जाए तो वो भी चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको मेरी ये वीडियो या मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये है इसका ट्राउज़र, और इस ट्राउज़र की स्टिचिंग की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ पहले, यकीनन आप लोगों ने देखी होगी, और देखिए मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था इस डिज़ाइन को। तो इस तरह से मैंने ट्राउज़र पे ये डिज़ाइनिंग की है। तो जनाब, ये थी बस मेरी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।